क्रिस्पी कुरकुरे हेल्दी और मज़ेदार लग रहे हैं ना, बहुत ही टेस्टी सैंडविचेस। मेरे बच्चों के ये फेवरेट हैं, आप भी इनको ज़रूर ट्राई करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिल्पी एंड वेलकम टू फूड्स एंड फ्लेवर्स। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार और आसान से पिज़्ज़ा सैंडविच। इनको बनाना काफ़ी आसान है, काफ़ी सारी वेजिटेबल्स डाल के हम बनाएंगे, चीज़ डाल के, बच्चों के फेवरेट हैं, ज़रूर ट्राई करके देखें एंड आई होप ये आपको बहुत पसंद आए। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं पिज़्ज़ा सैंडविच। इन मज़ेदार सैंडविचेस को बनाने के लिए यहाँ मेरे पास प्याज है, तो इसको हम बिल्कुल महीन महीन चॉप करेंगे। ये देखिए एकदम महीन चॉप करना है इस तरह से इसको। इसी तरह से मैं ये शिमला मिर्च ले रही हूँ, इसको भी बहुत महीन महीन काट देंगे। और यहाँ मेरे पास एक छोटा सा टुकड़ा गाजर का, तो ये देखिए हमारी वेजिटेबल्स चॉप होके तैयार हैं। हम इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर देंगे। अब इन चॉप की हुई वेजिटेबल्स में हम डालेंगे ये ऑरिगेनो, या फिर आपके पास पिज़्ज़ा सीजनिंग हो पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल दें, चिली फ्लेक्स, महीन कटा हरा धनिया और बहुत थोड़ा सा सॉल्ट। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे टोमेटो केचप या फिर आप पिज़्ज़ा सॉस का भी यूज़ कर सकते हैं, और इन सभी को बहुत अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है और आइए अब हम इसको स्टफ़ करके सैंडविचेस बनाएंगे। आइए अब सैंडविच की स्टफिंग करते हैं। इसके लिए मैंने ये दो पीस ब्रेड के लिए हैं, मैंने इनको गोल काट लिया है, आप चाहें तो इनको स्क्वायर भी काट सकते हैं। इस पर मैं फैला दूंगी थोड़ा सा चिली सॉस, बिल्कुल बच्चों के लिए बना रहे हैं तो चिली सॉस ना डालें, क्योंकि मैं आज अपने लिए बना रही हूँ इसलिए काफ़ी सारा चिली सॉस डाल रही हूँ। इस पर हम डाल देंगे ये स्टफिंग अच्छे से, जितनी मन चाहे उतनी डालिए स्टफिंग। और यहाँ पर मेरे पास है प्रोसेस चीज़ का एक क्यूब, तो ये सिंपल प्रोसेस चीज़ का क्यूब है ये, हम इसको कट करके बस इस तरह से सीधे रख देंगे। तो ये देखिए क्या मज़ेदार दिख रहा है अभी से, और हम इसको कवर कर देंगे दूसरे स्लाइस के साथ, हल्का सा प्रेस कर देंगे और आइए हम इसको सेक लेंगे और क्रिस्पी और मज़ेदार सैंडविच बनाएंगे। इनको सेकने के लिए यहाँ मैंने पैन को मीडियम फ्लेम पर गर्म किया है, हम इसमें फैला देंगे थोड़ा सा घी, आप चाहे तो बटर में भी सेक सकते हैं। इस पर हम रख देंगे अपने सैंडविचेस, इनको स्पैटुला से हल्का सा प्रेस कर देंगे। अब हम इसको कवर कर देंगे और सिर्फ एक मिनट तक इसी तरह से पकने देंगे। अब एक मिनट हो चुका है, आइए हम ब्रेड को चेक करेंगे। इसको फिर से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। हम जब ब्रेड को इस तरह से ढक के रखते हैं तो चीज़ जो है वो अंदर तक अच्छे से मेल्ट हो जाता है और सैंडविच बिल्कुल क्रिस्प हो जाता है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा घी फिर से तवे पर फैला देंगे और सैंडविच को उसके ऊपर रख देंगे, जिससे कि नीचे की साइड से भी अच्छे से क्रिस्प हो सके। 5 मिनट के अंदर ये सैंडविच तैयार होता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है, आई होप ये आपको भी बहुत पसंद आए। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।